प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। नड्डा का हिमाचल दौरा, हमीरपुर में दिखी भाजपा में फूट, कार्यकर्ताओं को मोदी रैली का न्योता। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सार्वजनिक बहस की वकालत की, खड़गे ने कहा हमें मिलकर काम करना है। मुंबई में निकली नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस को शिवसेना एसपी समेत कई दलों का मिला समर्थन। हैदराबाद में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 गिरफ्तार। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर की जगह महात्मा गांधी की मूर्ति, मचा बवाल। देश में कोरोना मृतकों की संख्या में इजाफा, बीते 24 घंटे में 3,000 से अधिक केस, सक्रिय मरीज 36,000 के पार। ओडिशा के मंत्री की सीएम पटनायक के भगवान जगन्नाथ से तुलना, विपक्ष ने की माफी की मांग। पुलवामा आतंकी हमले में पुलिस का एक जवान शहीद, सीआरपीएफ जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। जलाने में पंजाब अव्वल, 3 दिन में 136 केस। कर्नाटक में दलित बच्चे को पीटा, लड़की के सोने के झुमके चुराने का आरोप, बचाने आई मां के साथ भी की मारपीट। बारिश के बीच राहुल की जनसभा, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोले हम प्यार फैलाने निकले हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। दशहरा पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसवाले की सलाह, कहा गरीबी के दानों को खत्म किया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर खड़गे बोले थरूर भाई जैसे, यह चुनाव पारिवारिक मसला, थरूर की मांग उम्मीदवारों के बीच बहस कराई जाए। नए सीडीएस का पहला आदेश, तीनों सेना प्रमुखों से कहा थिएटर कमांड बनाए, चर्चा बहुत हुई, अब इस पर एक्शन का वक्त। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साबरमती आश्रम में कही बड़ी बात, बोले लोकतंत्र, स्वतंत्रता और एकता है अनमोल। कानपुर में निकाय चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी आप का मेयर सहित 110 वार्डों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। बुलियन कंपनी के एमडी की संपत्ति कुर्क, फ्रॉड कंपनी बनाकर निवेशकों का धन करता था दुगना, गैंगस्टर के तहत हुई कार्रवाई। दिल्ली के युवक से मेरठ में लूट, दिल्ली से बाइक पर मेरठ जा रहा था युवक, तमंचा सटाकर बाइक और रुपए लूटकर फरार। बागपत में तेज रफ्तार कार ने उड़ाया रामलीला का मंच, 2 कलाकार घायल, लोगों ने ड्राइवर को पकड़ पुलिस को सौंपा।
बलिया में रेलवे ट्रैक पर महिला का मिला शव, चेहरा बुरी तरह से था क्षतिग्रस्त, पुलिस शिनाख्त करने में जुटी। कुशीनगर में दुष्कर्म मामले में लापरवाही बरतने पर एसएचओ सस्पेंड, 8 दिन पहले नाबालिग से हुआ था रेप। जालौन में चाचा को भतीजों ने मारी गोली, पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहा है विवाद, घायल को फायर सेंटर किया गया रेफर। बुलंदशहर में खेत में काम कर रही महिला से दुष्कर्म, 2 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में दीपक त्यागी हत्याकांड का खुलासा, एक गिरफ्तार, अवैध संबंध में की गई थी युवक की हत्या। संबल में दिव्यांग विमल कुमार के पेंटिंग की लगेगी प्रदर्शनी, गले में पेंसिल डालकर बनाते हैं पेंटिंग। गाजीपुर में ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर, नवरात्रि दशहरा में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए डायवर्जन स्कीम लागू। आगरा पहुंचे अनुपम खेर, ताजमहल देख बोले वह ताज, हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए। अलीगढ़ में महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा के दौरान हुआ हादसा, स्किन के साथ अलग हुए 12 साल की बच्ची के बाल। अयोध्या में रिलीज हुआ आदि पुरुष का टीजर, प्रभु राम प्रभास के लुक ने किया इंप्रेस, लॉन्चिंग के पहले रामलला के किए दर्शन। की वारदात में सफल नहीं हुए तो चलाई गोली, मनोज गिठाला ही निकला सर्राफा, व्यापारी पर फायरिंग करने वाली गैंग का सरगना। श्रद्धालुओं को पीटने पर दरोगा समेत 5 सस्पेंड, खाटू श्याम मंदिर जाने के दौरान घटना, कैबिनेट मंत्री के विरोध पर कार्रवाई। संतकबीर नगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी कार, हादसे में मां बेटे और नाती की गई जान। देवरिया पहुंचे प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, पीएफआई को बताया राष्ट्र विरोधी संगठन। महाराजगंज में निरुहा और मैथिली ठाकुर ने भरा रंग, देर रात तक झूमते रहे श्रोता। बहराइच डीएम ने विसर्जन स्थलों का किया निरीक्षण, हकीकत जानने के लिए नाव पर बैठकर साफ सफाई को परखा। सहारनपुर में धारदार हथियार से किसान की हत्या, गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप, खेत में सब्जी काटने गया था किसान। गोंडा में चलाया गया सफाई अभियान, सरयू से निकाला गया 20 क्विंटल कचरा, लोगों से जुड़ने की गई अपील। संबल में जंगल में मिला युवक का सिर कटा शव, मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जालौन में महिला ने की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पति गया था बाहर मजदूरी करने। सीतापुर में सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, नेशनल हाईवे पार करते समय पिकअप ने मारी टक्कर, बेटी को लेकर घर लौट रही थी मां।
भदोही के दुर्गा पंडाल में आग लगने से 5 मरे। जांच के लिए एसआईटी टीम का हुआ गठन। इस घटना में 64 लोग झुलसे थे। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर। यूरिन इन्फेक्शन के अलावा चेस्ट कंजेशन की भी समस्या। सुल्तानपुर में वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। ट्रक की टक्कर से बाइक में भड़की आग। बाइक ड्राइवर की मौत। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन। देवी मंगला गौरी और मां अन्नपूर्णा के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। काशी में गूंजे जय माता दी के जयकारे। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुलिस की जीप में टक्कर मार कर फरार थे बदमाश। जौनपुर का रिजवान है सरगना। उत्तराखंड के हेवल नदी किनारे बने अयासी के कई अड्डे। अब एक और भाजपा नेता के रिजॉर्ट पर उठे सवाल। उत्तराखंड के राज्य गठन के बाद पहली बार हरिद्वार जिला पंचायत में बनेगा भाजपा का बोर्ड। हरिद्वार के भगवानपुर से कांग्रेस को झटका। विधायक ममता राकेश के पुत्र पुत्री समेत कईयों ने ली भाजपा की सदस्यता। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार लक्ष्मी मंदिर पर आई हल्की दरारे का परीक्षण शुरू। एएसआई टीम ने लगाए ग्लास टाइटल। उत्तराखंड में मौसम में ठंडक। ठंडा पड़ने लगा डेंगू का डंक। 12 व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि। उत्तराखंड में मानसून की विदाई से पहले भारी वर्षा के आसार। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पूर्व डीजीपी के बेटे से साइबर ठगी करने वाला कोलकाता से गिरफ्तार। ओएलएक्स पर विज्ञापन डालकर की ठगी। उत्तराखंड के गोपेश्वर में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वाला आरोपी बरेली से गिरफ्तार। 10 अप्रैल को किया था मामला दर्ज। खंड में ट्रेचिंग ग्राउंड बनने से पहले ही बना डाली करोड़ों की एमबी। चल रहा बजट ठिकाने लगाने का खेल। उत्तराखंड में सेना को सौंपी जाएगी उत्तराखंड की नैनी सैनी हवाई पट्टी। नागरिक विमान सेवाओं का भी उठा। उत्तराखंड में साथ आया था दिल्ली का मार्शल आर्ट। खिलाड़ी नहाते समय गंगा में डूबा। उत्तराखंड में सफारी के लिए अब पर्यटकों से फिर गुलजार होगा गार्जिया जोन। एनटीसीए की मिली मंजूरी। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब और ऊंची चोटियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड के हरिद्वार वीआईपी घाट पहुंचे एक्टर महेश बाबू। गंगा में विसर्जित की अपनी मां की अस्थियां। हरिद्वार में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के 4 लोगों को उठाने की चर्चा। पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं चारों। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने स्वीडन और फिनलैंड को धमकी। वादे नहीं किए पूरे तो नाटो में शामिल होने से रोक देगा।
पाकिस्तान में जेल जाने से बचे इमरान खान, गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मिली अंतरिम जमानत। यूक्रेन युद्ध में 60,000 रूसी सैनिकों की मौत, 2,300 टैंक तबाह, 24 घंटे में गई 500 की जान। तीन साल बाद यूएस दौरे पर पाकिस्तान आर्मी चीफ जयनगर बाजवा, खराब रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन से पहले शी जिनपिंग का बड़ा बयान, कहा बड़े जोखिमों का सामना करने के लिए एकजुट रहें। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चीफ को मारा, हिजाब विरोधियों की हत्या के थे आरोपी, नरसंहार कर सकती है सेना। कनाडा के भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़, तीन दिन पहले ही अनावरण हुआ था, भारत ने घटना की निंदा करते हुए उसे हेट क्राइम बताया। ब्राजील के चुनाव में लूला डा सिल्वा को मिले सबसे ज्यादा वोट, फिर भी नहीं बन सकते राष्ट्रपति, 30 अक्टूबर को दोबारा होगा मतदान। पुतिन को लगा झटका, यूक्रेन ने रूस से छीना लाइनमैन के लॉजिस्टिक्स हब पर दोबारा पाया नियंत्रण। पॉप रॉसिस ने रूस और यूक्रेन से की युद्ध विराम की अपील, बोले अभी कितना खून बहाना बाकी। लॉन्च होने वाला है जियो का सस्ता लैपटॉप, 1500 रुपए में 4G लैपटॉप लाएगी कंपनी। पीवीआर के शेयरों से छेड़छाड़ मामले में सेबी ने तीन लोगों पर की कार्रवाई, लगाया जुर्माना। जियो की 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस, अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर को मिल जाएगी मरीज की सारी डिटेल्स। कच्चे तेल के उत्पादन में 3% की कमी हो सकती है, कच्चे तेल के दामों में होगी बढ़ोतरी। मोदी सरकार का रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, दशहरे से पहले 78 दिनों के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस। मांग घटने का साफ असर, फैक्ट्री गतिविधियों पर दिखा, सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 3 माह के निचले स्तर पर। वित्त मंत्रालय का 15 अक्टूबर से विशेष फाइनेंशियल कैंपेन, बैंक खातों और किसान क्रेडिट कार्ड पर होगा फोकस। ₹12,000 से भी सस्ता हुआ Redmi का दमदार 5G स्मार्टफोन, मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरा। कल से खुल रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का IPO, 500 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। US फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में की 0.75% की बढ़ोतरी, लगातार तीसरी बार बढ़ी दरें। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रजत पाटीदार और मुकेश कुमार नया चेहरा, शिखर धवन को कप्तानी। टेबल टेनिस में भारत की बड़ी कामयाबी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में नंबर 2 टीम जर्मनी को हराया।
अंपायर के फैसले पर नाखुश हुए रोहित शर्मा, हैरानी के साथ तुरंत लिया डीआरएस। फिर बोला सूर्य कुमार यादव का बल्ला, 18 गेंद में 50 जड़कर बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम। रोहित शर्मा ने नहीं, कोहली ने भारतीय टीम को मैच से पहले दी स्पीच, वीडियो आया सामने। सात साल बाद देश में अफ्रीका से सीरीज जीता भारत, दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को 16 रन से हराया, काम नहीं आई मिलर की सेंचुरी। मैदान में भिड़े यूसुफ पठान, मिचेल जॉनसन एक दूसरे को धक्का मार, रॉस टेलर की पारी पड़ी, भिलवाड़ा किंग्स पर भारी। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में लाइव मैच के दौरान मैदान में घुसा सांप, खिलाड़ियों के उड़े होश। इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर दर्ज की 67 रन की बड़ी जीत, 4-3 से सीरीज अपने नाम किया। सुरेश रैना ने बल्लेबाज को मैच के दौरान दी जादू की झप्पी, वीडियो हुआ वायरल। ऋतिक रोशन ने मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद, फाल्गुनी पाठक के साथ किया जमकर डांस। बेटी संग पोनियन सेल्वन की स्क्रीनिंग पर चेन्नई पहुंची ऐश्वर्या, फिल्म की सक्सेस के लिए हाथ जोड़कर ऑडियंस को कहा धन्यवाद। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई करीना कपूर, बेबो को जबरदस्ती पकड़, फैंस ने ली फोटो खींचने की कोशिश, सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स। वामिका के साथ प्ले डेट पर गई अनुष्का शर्मा, स्लाइड पर की मस्ती, बोली वहां पर मैंने बहुत सारा बचपना किया। दृश्यम 2 के मेकर्स ने फैंस को दिया खास ऑफर, 2 अक्टूबर को फिल्म की एडवांस बुकिंग करने पर मिलेगा 50% की छूट। पहली बार एक साथ नजर आए फाल्गुनी और मीका, गरबा नाइट्स पर एक दूसरे के गानों पर किया परफॉर्म। काजोल ने शेयर किया प्राउड मॉम मोमेंट, बेटे युग ने दुर्गा पूजा के बाद लोगों को परोसा प्रसाद, बेटे की मदद करती आई नजर। आदि पुरुष का टीजर हुआ रिलीज, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रखा गया भव्य लॉन्च इवेंट। अरेस्ट वारंट मामले में एकता कपूर की वकील का रिएक्शन, कहा प्रोड्यूसर और उनकी मां, नहीं मिला कोई गिरफ्तारी वारंट। अनु कपूर के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड, ठगों ने बैंक अकाउंट से उड़ाए 4.36 लाख रुपए। प्राइम शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।